नस के पास पेपर में आए हुए सवाल एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, पहला कॉलम देख लो, 2x² + 3x - 1, x² + 2x + 3, यह है x + 1 3x 2x - 1, थर्ड कॉलम में x - 2 3x - 3 और 2x - 1 इक्वल टू दिया है ax - 12 के, और a की वैल्यू पूछी है। अच्छा अब एक बात सुनो, मेरी मैजिकल ट्रिक बड़ी अहम होती है, उससे सवाल बड़ा हलवा हो जाता है। मेरी मैजिकल ट्रिक में देखो, यहाँ सारे अननोन है, मैं एक्स का कुछ भी मान सकता हूँ, तो सबसे आसान है एक्स को ए मान लो। आप बोलोगे सर ज़ीरो, अगर ज़ीरो मानेंगे तो फिर ये ए भी ख़त्म हो जाएगा, ये तो निकालना है। अब देखो जैसे मैं एक्स को वन मानूँगा, 1 का स्क्वायर + 1 2, एक्स को माना मैंने 1 2+3 5 - 1 4, 1+2+3 6, यहाँ देखो 1+1 2, यहाँ 3 आ गया, 2 1 2 - 1 1, यहाँ 1 - 2 - 1, यहाँ आ गया 0, यहाँ आ गया 1। तो अब बहुत आसान हो गया ये डिटरमिनेंट, क्या इसे ओपन नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, एप्टीट्यूड टेस्ट में ही तो ट्रिक्स होती हैं। अब इसे पहले रॉ या पहले कॉलम से एक्सपेंड कर लो, बड़ा आसान है, आएगा 12। अब देखो ये जो 12 आए ये इतने पोर्शन से, यहाँ क्या है ax - 12। तो एक बात सुनो मेरी, ax - 12, तो a तो हमने 1 माना हुआ है ना, तो बिल्कुल ये हो गया, और ये -12 उधर जाके +12, तो a = 24 आंसर। अब आप बोलोगे सर a को क्या 2 3 भी मान सकते थे? बिल्कुल आंसर यही आता, लेकिन फिर क्वेश्चन मुश्किल हो जाता। इसी तरह आप अगर इस मैट्रिक्स को भी एक्सपेंड करते तब भी रिजल्ट 12 आता, जो कि ज़ाहिर है 12 तो नहीं आता बल्कि x की फॉर्म में आता। खैर सॉल्व करने पे a की वैल्यू तब भी 24 आती, चाहो तो मेथड खुद से